जहाँ एक ओर कैलेंडर में साल बदल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना भी अपना रूप बदल रहा है। कई सारे ऐसे सवाल जिसके जवाब आम जनता ज़रूर जानना चाहेगी। आम जनता जानना चाहती है कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान क्रियान्वयन पालन हो रहे हैं, नियमों के पालन हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए और आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे बीच मौजूद हैं कोटा जिला के कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ जी। सर, आपका स्वागत है मीडिया हाउस राजस्थान पर। सर, कोरोना को देखते हुए जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई हैं, लोगों को कहीं हद तक भ्रांतियां हैं कि इस गाइडलाइन का पालन कैसे किया रह जाए, तो किस तरह के गाइडलाइन है ये सर? वो गाइडलाइन राजस्थान सरकार ने निकाली है लगभग, क्योंकि दो दिन का जो लॉकडाउन था उसी के कंटिन्यूशन में ये गाइडलाइन जारी हुई है। इसमें जो कुछ चीज़ों को एग्जम्प्ट कर रखा है उनकी लिस्ट उन्होंने दी हुई है, जैसे राशन की दुकान है या MSP है या किराना की दुकान है या आवश्यक सेवाएं हैं या पेट्रोल पंप है, उनके बारे में। उनके अलावा सब बंद रहेगी। और उन्होंने कहा है कहीं कोई भ्रांति हो, कोई हो तो जिला स्तर पर भी कुछ ज्ञापन आते तो हम उसके गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में जांच करके और उसको गाइड करते हैं कि भाई इसमें ये रहेगा ये नहीं रहेगा। यहाँ पुलिस की पूरी व्यवस्था है, पूरे ज़िले में करीब 700-800 होमगार्ड दिए हैं सरकार ने और पुलिस अफसर तो ही हैं, तो बड़े तरीके से प्रभावी ढंग से हम गाइडलाइन की पालना करा रहे हैं। और CM साहब ने पब्लिकली कल VC की थी, हर आदमी को उसमें जोड़ा था, आम आदमी भी उस डिसीजन में भागीदार है। और उसका उद्देश्य यही था कि सभी लोग मिलकर डिसीजन ले तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा, मोर ज़्यादा पार्टिसिपेटरी रहेगा। तो अब चूंकि 3 तारीख तक है तो इसमें मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी गाइडलाइन है और सबके स्वास्थ्य के लिए, और स्थिति ये हो गई कि अब हॉस्पिटलों में बेड और दवाइयों की प्रॉब्लम हो रही है, आप भी अखबारों में TV में यदा गदा छुटपुट किस्से आ रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की जो एक शॉर्टेज है उसका कोई शॉर्ट टाइम कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। दवाइयाँ तो ज़्यादा भी आ सकती है, इम्पोर्ट भी हो सकती है। ऑक्सीजन एक ऐसा है कि उसका पूरा प्रोसीजर है, शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ाई जा सकती ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये सबका है कि अपने घर में रहें, अपने परिवार अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित रखें, हाथ धोते रहें, डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, 2-4 बातें बार बार। कल भी जो ओपन जो था उसने स्पेशलिस्ट ये कह रहे थे कितना ही लॉकडाउन लगा दो अगर घर में भी आपको नहीं रखा आपने तो जितना स्पीड से फैल रहा है ये कोरोना, ये लॉकडाउन के बाद भी कंट्रोल नहीं होगा अगर मास्क नहीं पहना गया। तो बस यही है कि सावधानी रखें। तो सबको मैं शुभकामना देता हूँ, कोटा के शहरवासियों को, कोटा जिले वासियों को, कि अपने परिवार में रहें, सुखी रहें। और जान है तो जहान है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये अंधेरे के बाद भी प्रकाश होता है, सब जो कहते हैं वही चीज़ मैं भी करना चाहूँगा। तो सर, जो निम्न वर्गीय या मध्यम निम्न वर्गीय व्यवसाय हैं जो फुटकर पे फुटपाथ पे अपना बिजनेस चलाते हैं, ऐसे उन व्यवसायों के लिए भी काफ़ी भ्रम वाली स्थिति है जहाँ एक तरफ प्रशासन काफ़ी सख्ती दिखा रहा है, तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या संदेश है सर? ऐसा है कि अब ये तो आपदा है, अब इसमें देखो क्या होता है कि कोई भी समस्या होती है तो अलग अलग वर्ग अलग अलग ढंग से प्रभावित होता है। वेल टू डू वर्ग है उसके कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो फुटपाथ पर काम करता है, कमज़ोर व्यवसायी है उसको करता है। सरकार ने भी मदद दी है, पहले 3.5 और 1,000 रुपये और दिए, 4,500-4,000 रुपये जो भी ठेली वाले रेडी वाले थे उनको किया है। PM स्वनिधि से भी 10,000 का लोन दे रहे हैं। इसके अलावा देखो अपना खुद का तो खुद को ही करना पड़ेगा। सरकार ने काफ़ी लिबरल रखा है, लेबर्स को फ्री रखा है, सब्जी व्यापारियों को फ्री रखा है, दूध व्यापारियों को फ्री रखा है, और अब की बार पहली बार कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं उनको फ्री कर दिया है। क्योंकि सर, ऐसे में सवाल ये आता है कि जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का है या बिल्कुल निम्न तबके का व्यक्ति है, उसको जीवन यापन के लिए जो चीज़ें हैं वो उसे डेली कमाना है और डेली खाना है, ऐसे में उसकी एकदम से आय ही बंद हो जाएगी क्योंकि लोगों का निकलना बंद हो गया है। हाँ, तो उसकी आय बंद हो जाएगी अगर वो, या तो अपना दूसरा, जैसे उसमें भी ठेली और थैली वाले में भी, जैसे सब्जी वाला है उसकी आय नहीं है, दूध वाला नहीं है, कोई जो भी ब्रेड बटर वगैरह जो भी बेचते हैं उनकी नहीं है, जो लेबर कर रहा है वो लेबर, इंडस्ट्री खुली रखी है और कंस्ट्रक्शन वर्क खुले रखे हैं, आवश्यक सेवाएँ खुली रखी है। अब ये तो लॉकडाउन तो पेनफुल होता ही है, या इसमें कोई डाउट ही नहीं सर। आदेश में कुछ बिंदुओं पर संशय ये भी बना हुआ है कि कुछ व्यवसायों के नाम नहीं दिए गए हैं आदेश के अंदर कि वो ओपन रखें या क्लोज करें अपने व्यवसाय को, कोई आप कोई बता देना तो देख लेंगे, है ना सर? एक मेरा अंतिम सवाल है कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस जो आई हैं उसको किस तरह से आप पालन करवा रहे हैं, कितनी शक्ति है पिछली बार की अपेक्षा? नहीं नहीं, पूरी शक्ति है, जो भी राज्य सरकार के निर्देश है और जैसा निर्देश शक्ति के बारे में है, पुलिस डिपार्टमेंट में हमें भी है, नगर पालिकाओं को भी, उसकी पालना करते हैं और शक्ति तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये जीवन और मरण का
प्रश्न है जी। अच्छा, चलते चलते आप कोटा की जनता को, राजस्थान की जनता को क्या संदेश देने चाहेंगे? चलते चलते ये जाएंगे, सावधान रहे, अपना खुद का ध्यान खुद रखें जी। जैसा कि आपने देखा, हमारे बीच में मौजूद थे कोटा के जिला कलेक्टर उज्जवल सिंह राठौड़ जी, और इनसे हमने जाना आपके बेरोजगारी संबंधी सवाल, लॉकडाउन संबंधी सवाल और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब हम जनता जानना चाहती थी। तो हम जनता से एक ही अपील करना चाहेंगे, मास्क पहने रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइज़र का ख्याल रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।